बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह में नूरा कुश्ती चलती है। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह को गाली देते हैं और मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी को, दोनों ही सबसे बड़े झूठे हैं। साथ ही साथ बेनी ने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया और कहा कि इनकम टैक्स अफसर होते हुए भी 25 साल में कितने बड़े व्यक्तियों को यहाँ छापा मारा है। जिसने संसद का मुंह नहीं देखा वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। बेनी का कहना है कि मोदी ने भी कभी चाय नहीं बेची, सिर्फ झूठ बोलकर गरीबों में अपनी जगह बनाई। ये मोदी गाली दे रहे हैं, मोदी इनको गाली दे रहा है। मालूम पड़ता है उत्तर प्रदेश में मोदी और मुलायम सिंह का कोई दिशा ही नहीं, नूरा कुश्ती। अभी कल अहमद पटेल का बयान उन्होंने पढ़ा, आपने बात भी की थी उससे पहले। मोदी ने कभी चाय वाय नहीं बेची, कोई पता नहीं किस दुकान पे चाय बनाते थे, कौन सा अंडा ढाबा था। सिर्फ गरीब से अपने भी जोड़ने के लिए चाय वाला प्रचारित कर दिया। हिटलर फासिस्ट था, उसी रास्ते पे आरएसएस चलती है। चाय वाला चाय वाला चाय वाला गरीब का घर खाए, कहीं चाय ढाबा का पता नहीं चल रहा है। एक दूसरे आ गए हैं अपनी असीमित इच्छा पूर्ति के ठेकेदार केजरीवाल, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। पूछो इनसे किस बड़े आदमी के छापा मारा है जो इनकम टैक्स अफसर थे। हर बड़े आदमी से दोस्ती, किसी बड़े आदमी के इन्होंने 25 साल के सर्विस में छापा ही नहीं डाला। झाड़ू कभी छुआ ना होगा, झाड़ू निशान